भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्र देव सिंह को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया है। स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री हैं। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी सरकार में परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान सौंपते हुए तत्काल प्रभाव से बीजेपी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। स्वतंत्र देव सिंह की बीजेपी अध्यक्ष घोषित होने के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जश्न का माहौल है। इसी सिलसिले में बेनीगंज स्थित बीजेपी कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की अगुवाई में पार्टी कार्यालय के सामने आतिशबाजी कर एवं मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और एक साधारण से कार्यकर्ता को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया। इस मौके पर बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, पुष्प दंत जैन सहित बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुरनी से बात करते हुए बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह ने एक जमीनी कार्यकर्ता जो संगठन के अनुभवी हैं, भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री से लेकर विभिन्न दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया था और आज उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री के नाते, एक योग्य कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे थे। स्वतंत्र देव सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उनकी खुशी में गोरखपुर महानगर के सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे होकर के खुशी मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ एक दूसरे को खिला रहे हैं। एक जमीनी कार्यकर्ता जो जिन्होंने पूरा जीवन इस विचारधारा में दिया है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इसलिए कार्यकर्ताओं में खुशी है।